पेट का साइफ यस वी आर लाइव नाउ सो हेलो एवरीवन ए वेरी गुड इवनिंग बाय गाइस आवाज आ रही है मेरी जल्दी से जल्दी बताओ हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है ना वॉइस इज क्लियर गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ गुड मॉर्निंग सूरज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो तो so, आज एक नई सुबह है और नई सुबह में नया टॉपिक बिल्कुल आपके सामने लेकर आया हूं बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आज थोड़ा सा गला खराब है एक्चुअली लगातार इतनी सारी क्लासेस आप लोग की दिन में भी क्लासेस रात में भी क्लासेस और अभी भी क्लासेस थोड़ा बहुत क्लासेस के चक्कर में थोड़ा सा गला अभी खराब है कोई इससे दिक्कत नहीं है मैं अभी गर्म पानी ले रहा हूं सब ठीक हो जाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग एक नया दिन एक नई शुरुआत एक नई सुबह के साथ एक नया टॉपिक आपके सामने जैसा कि आप सभी लोग जानते हो थ्योरी ऑफ मशीन में कल हमने पढ़ा था वट इज मशीन एंड उसके बाद देखा था वट इज कंस्ट्रेंड मोशन तो सभी लोग फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ और कमेंट बॉक्स में हिंद लिख दोगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग हिंद लिखोगे फटाफट 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 ना मेरे प्यारे बच्चे आज का जो टॉपिक है कायनामेटिक लिंक एंड काइनामेटिक पेयर ये टॉपिक देखिए मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं ये टॉपिक इतना टफ भी नहीं है मतलब सर ये टॉपिक इतना बेसिक है कि अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप इससे जीवन भर अधूरे रहोगे और बस रट्टा मार के यही कहोगे कि यार ये लिंक फिक्स है तो ये सिंगल लिंक है काइनामेटिक लिंक और लिंक में डिफरेंस क्या होता है मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक एंड काइनामेटिक लिंक ये आज तक मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं चल पाया

चलो भाई सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आप सभी लोगों को बता दूं एम आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरी वॉम वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्य गेट एमपीआई पर और गाइज मैं अपने बारे में बताऊं आई एम फोर टाइम्स गेट टॉप रैंकर एम टेक फ्रॉम आई आई टी एंड नाइन ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस नौ साल का हो चुका है जिस दिन आपका गेट का पेपर था उसी दिन नौवा साल था बिल्कुल नाउ सब्जेक्ट टेकन बाई मी इज द थ्यूरी ऑफ मशीन मशीन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको थ्यूरी ऑफ मशीन पढ़ा रहा हूँ आलोक लाइव मेरा कोड है जिसपे दस परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है अट्ठाइस तारीख लास्ट डेट है जैसा कि मेरे पास खबर आ रही है ट्वेंटी एट फाइव याद रखियेगा बच्चा लोग अट्ठाइस फरवरी अट्ठाइस फरवरी ट्वेंटी एट फाइव इज द लास्ट डेट टू गेट टेन परसेंट ऑफ अट्ठाईस फरवरी के बाद एक मार्च से पांच परसेंट हो जाएगा ध्यान रखिएगा चलिए सो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है हमसे लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए और लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे सामने आ सकते हैं और यहां देख सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं मेरी फ्री क्लासेस पासवर्ड है आलोक लाइन सर फ्री क्लासेस में क्या पढ़ा रहे हैं बेटा हम फ्री क्लासेस में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का 2021 का ESE, EIS, तो आप आई एस भी कहते हैं ठीक है ना दो का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया है बच्चा लोग थोड़ा तो ध्यान से आप देख सकते हैं नाउ बच्चा लोग अगर मैं बात करना अगर आपको मेरे सारे फ्री लेक्चर्स चाहिए तो टाइनी वायरल डॉट कॉम स्लेस आलोक कोड आप लोग कहा करते हो सर आपका टाइनी वायरल क्या है बेटा यही है और यही रहने वाला और यही फिक्स है ठीक ना जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा बच्चा लोग ठीक ना डेट बाई जैसे आज है तेईस तारीख तो तेईस तारीख दिन में एक बजे ठीक ना दिन में एक बजे मेरे बच्चे ध्यान से देखिए तेईस तारीख दिन में एक बजे ये रहा ठीक ना ये आपको लिंक मिल जाएगा ये आपका क्लास है आप आराम से जाकर क्लास ले सकते हो क्लास लिंक पे क्लिक करके क्लास ले सकते हो नौ मेरे बच्चे अब स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितना आपको इंतजार है उतना मुझे भी इंतजार है आज के इस टॉपिक का तो सभी लोग आ गए हैं सभी लोग आ गए हैं बिल्कुल जितने भी चिंटू बच्चा लोग स्टार्टिंग में एक चीज बता देता हूं जितने भी बच्चे आए क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं जो प्रॉपरली डेली जुड़ेंगे ठीक है ना जितने भी बच्चे आपकी क्लास में नए आते जाए अगर वो ये पूछते हैं कि सर पीडीएफ डीएफ कहाँ मिलेगा और मैं अगर ध्यान नहीं दे पाता उस कमेंट पे तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी कि अगर कोई बच्चा इस चीज पे मेरी हेल्प करना चाहे तो वो ग्रुप में यहाँ चैटिंग बॉक्स में लिख देगा उसको कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ठीक है ना पीडीएफ आपको कहा मिलेगा बच्चा लोग हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी गेट एम पर ठीक है चलिए पीडीएफ मैंने कल का आप लोग को दे दिया था अगर आप लोग चाहते हो तो उसको डाउनलोड करके सेव करते रहो अपना एक फोल्डर बना लो चलो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है दैट इज टिक लिंक व्हाट इज द कानामेटिक लिंक बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द काटिक लिंक क्या होता है सर अगर मैं बात करना चाहूं काइनामेटिक लिंक की तो सुनिएगा बड़े ध्यान से. पहला वर्ड आया लिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक थोड़ा सा मैं इसका डिफिनिशन देखता हूं तो यहां क्या कह रहा है डिफिनिशन में सुनिएगा मेरी बात लिंक को अगर हम समझ गए और आगे क्या लिखा है काइनामेटिक अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक लाइन पढ़ते हैं कह रहे एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन मशीन का हर एक हिस्सा विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनामेटिक लिंक नहीं समझ में आया नहीं आया समझ में तो भी सर जी सर समझा दीजिए आप फिर चलिए समझाने के लिए हम इस पे आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है बेटा वट इज लिंक अगर मैं आपसे कहूं लिंक क्या है अगर मैं आपसे कहूं लिंक क्या है मेरे बच्चे सुनना मेरी बात दरा ध्यान से लिंक क्या है मेरे बच्चे वट इज लिंक लिंक क्या है मेरे बच्चे सुनो अगर मैं आपसे कहूं सुनिएगा बड़े ध्यान से कि ये एक ऐसी बॉडी है ये क्या है बेटा एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि अगर मैं दो पॉइंट कंसीडर करूं सुनना बड़े ध्यान समझना एक ऐसी बॉडी दो पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं।, करूं? करूं।, करूं मेरे बच्चे सुनो बड़ी ध्यान से अगर मैं इन दोनों पॉइंट के अंदर अगर मैं ये दो पॉइंट कंसीडर करूं बड़े ध्यान समझना दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी ना मेरे बच्चे सुनना एक मैंने ऐसे ही कुछ कंसीडर किया उसके ऊपर मैंने दो पॉइंट कंसीडर किया कितने पॉइंट कंसीडर किया चिंटू अरे वाह चिंटू आ गया देखो चिंटू कितने पॉइंट कंसीडर किया सर जी दो पॉइंट कंसीडर किया आपने चलो भाई चिंटू आ गए तुम तो दो पॉइंट अगर आपने कंसीडर किया तो अगर ये एक सिंगल लिंक है क्या है बेटा सिंगल लिंक है अगर ये एक सिंगल लिंक है मतलब एक लिंक है सिंगल तो ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा ठीक है ना ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा सर समझ नहीं आया एक बार चलो समझाता हूं जस्ट अ सेकेंड यू कैन सी दिस मैं आपको यह दिखाता हूं ठीक है ना देखिएगा ध्यान से अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं ये मेरा बॉडी का ये पार्ट यहां से यहां तक सुनना इस कॉर्नर प्वाइंट से यहां तक का ठीक है ना ये अगर मैं बात करूं दिस इज द सिंगल लिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल लिंक सर मैंने यहां और यहां मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए कितने पॉइंट कंसीडर किए डियर मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां आप देख पा रहे हो मैंने कितने पॉइंट कंसीडर किए मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए यू कैन सी दिस क्लियर हो रहा है दिख रहा है मैंने यहां दो पॉइंट कंसीडर किए अगर ये एक सिंगल लिंक है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा दैट इज द सिंगल लिंक दिस इज द डिफिनिशन ऑफ सिंगल लिंक यू कैन सी दिस आज मैं कानामेटिक लिंक नहीं पढ़ा रहा हूं पहले मैं लिंक पढ़ा रहा हूं सुनो लिंक का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट अगर एक बॉडी के ऊपर कंसीडर करते हो अगर सिंगल लिंक के ऊपर तो उनका आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा अगर इनका आपस में रिलेटिव मोशन हो गया तो मेरी बॉडी मेरा हाथ क्या हो जाएगा टूट जाएगा बात समझ में आया मेरा हाथ क्या हो जाएगा टूट जाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी अब क्या करता हूं मैं इस लिंक का इस लिंक का इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं एक पॉइंट यहां कंसीडर करूं सुनिएगा ध्यान से अगर एक पॉइंट मैंने यहां कंसीडर किया तो इसका इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो जाएगा देखो हो रहा है इस पॉइंट का या इस पॉइंट का इसके रेस्पेक्ट में चाहे इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो जाएगा देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिल्कुल हो रहा है कॉमन सेंस होगा क्यों सर क्योंकि बेटा ये अलग लिंक है ये अलग लिंक सिंगल लिंक कहता है कि तुम मेरे ऊपर जितने भी पॉइंट दो ही नहीं तुम हजार पॉइंट कंसीडर कर लो हमारा आपस में मोशन नहीं होगा इसीलिए हम क्या कहलाते हैं सिंगल लिंक कहलाते हैं एक बच्चा बोला सर एक एग्जांपल और दे दीजिए सर पूरा समझ जाऊंगा मैंने कहा लो बेटा तुम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हो कह रहा हां सर मैंने कहा तुम एक मैकेनिज्म बनाते हो कहता हां सर मैंने कहा चिंटू देखो यू कैन सी दिस सी दिस चिंटू सी दिस क्या है चिंटू कहता है सर थोड़ा समझाइए मैंने कहा चिंटू देखो ये जितने भी फिक्स लिंक हैं जितने भी फिक्स पार्ट आपको दिख रहे हैं उन सब पे पॉइंट कंसीडर करो तो चिंटू ने क्या किया एक पॉइंट इस पे एक पॉइंट इस पे और एक पॉइंट इस पे इन तीनों पे अपना एक एक पॉइंट कंसीडर कर लिया नाउ वी कैन कंसीडर ए थ्री पॉइंट वी कैन कंसीडर ए थ्री पॉइंट ऑन दिस ठीक ना मैंने यहां तीन पॉइंट कंसीडर किए क्या क्या ए बी सी मैंने यहां तीन पॉइंट कंसीडर किए ए बी सी आर यू गेटिंग माई पॉइंट यू कैन सी दिस Invece. अच्छा अब मैं पूछता हूं ये पूरा मैकेनिज्म घूम जाएगा ए बी सी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं होगा पूरा मैकेनिज्म मोशन कर जाएगा लेकिन ए बी सी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा मेरे बच्चे इसका मतलब है ये सारे थे, के सारे क्या होंग होंगे सिंगल लिंक होंगे सिंगल लिंक का मतलब क्या है इसके ऊपर तुम कितने भी पॉइंट कंसीडर कर लो इनका आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो ये वन ये वन ये वन इसीलिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में जितने फिक्स लिंक होते हैं सबको वन मान लेते हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ आपके सामने एक ये लिंक आया जिसमें स्केच किया हुआ है आप लोगों ने देखा होगा ऐसे 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 लिंक्स ठीक है ना ऐसा लिंक आया जिसमें क्या किया गया है गा जिसमें आपको ऐसे स्केच करके दिया है नाउ इसको हम लोग कितना लिंक कहते हैं सर एक दो तीन लिंक कहेंगे कि एक लिंक कहेंगे मैंने कहा बेटा तुम फिर से वही काम करो ना इस पूरे लिंक के ऊपर क्या मानो दो पॉइंट कंसीडर कर लो इनका आपस में रिलेटिव मोशन होगा नहीं होगा सर ये पूरा सिस्टम एक साथ आगे पीछे जाएगा ठीक है ना तो गाइज ये भी हमारा एक साथ आगे पीछे जाएगा दैट मीन्स कि ये भी हमारा एक सिंगल लिंक है और ये हो गया लिंक नंबर टू ये लिंक नंबर थ्री लिंक नंबर फोर लिंक नंबर फाइव टोटल लिंक काउंट करना सीख गए यस और नो ठीक है ना यस और नो जल्दी से जल्दी बताओ Yes or no. So, my dear friend, what is the what is the definition of the single link? Def uh, single link says if there are any two point is considered on a link, if there are two point considered on a link, which have no relative motion to each other, that is called single link. Because there is a relative motion between two links. You can see this. You can see this line. See this line. यू कैन सी दिस विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोथन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट अदर लिंक ठीक है ना दूसरे लिंक के रेस्पेक्टिव मोशन हो जाएगा आर यू गेटिंग बात समझ में आया ओके नाउ माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस नाउ दिस इज फिक्स दिस इज फिक्स दिस इज फिक्स इव इफ यू कैन कंसिडर ए बी सी थ्री पॉइंट ऑन दिस

डायनामिक का मतलब क्या होता है काइनेमैटिक मींस रिलेटिव मोशन व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन ऑन दिस लिंक व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन ऑन दिस लिंक दिस इज द काइनेमैटिक लिंक नाउ मेरे बच्चे सुनो मेरी ध्यान से मेरी जान मेरे बच्चे मेरी जान सब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द काइनेमैटिक लिंक एक लिंक किसी दूसरे लिंक के रेस्पेक्ट में क्या करेगा मोशन करेगा दैट इज द कानामेटिक लिंक अच्छा जी सर एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन विच इज होगा ना no. अब दूसरी सबसे खतरनाक पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है वो ये है मेरे बच्चे मेरी जान वो ये है कि लिंक कौन सा बॉडी होता है लिंक इज ए रेजिस्टेंट बॉडी लिंक इज रजिस्टेंट बॉडी आर यू गेटिंग माई पॉइंट वाइट लिंक इज ए रजिस्टेंट बॉडी सर इस पृथ्वी पर ठीक ना इस पृथ्वी पर दो टाइप का बॉडी है रिजिड बॉडी एंड रजिस्टेंट बॉडी लिंक इज वॉट सर लिंक इज ए रजिस्टेंट बॉडी लिंक इज ए रजिस्टेंट बॉडी सर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड रजिस्टेंट बॉडी सर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड रजिस्टेंट बॉडी क्या होता है मैक्सिमम बच्चे जानते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है जस्ट लाइक दिस ओ माय गॉड ये क्या है ये रिजिड है गाइस दिस इज रिजिड बॉडी और व्हाट डिफॉर्मेबल दिस इज रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी दिस इज रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी कम ऑन दिस इज रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी कम ऑन इज द डिफॉर्मेबल बॉडी वट इज ऑफिड बॉडी सर वॉट इज दिन ऑफ द रिजिट बॉडी ना बच्चा लोग सुनो ध्यान से वॉट इज द रिजिट बॉडी या रिजिट बॉडी विल है सुनते रहना बड़े ध्यान से एक ऐसी बॉडी जिसपे तुम किसी भी डायरेक्शन से कितना भी कैन एप्लाई ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन ठीक है ना किसी भी डायरेक्शन से कितना भी अगर तुम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस दैट्स वाई दिस इज द रिजिड ओके नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी क्या इस पृथ्वी पर ऐसी कोई बॉडी है नो नो सर दिस इज द हाइपोथेटिकल केस दिस इज द हाइपोथेटिकल केस

नाउ माय डियर फ्रेंड रिजिड बॉडी अगर इस पृथ्वी पर नहीं है रिजिड बॉडी अगर इस पृथ्वी पर नहीं है मेरे भाई ठीक है ना तो ये बॉडी क्या हाइपोथेटिकल कॉमन सेंस अब सुनो मेरी बार. मेरी बात बात सुनो लिंक इज वॉट लिंक कौन सा है लिंक इज द रेजिस्टेंट बॉडी वाई रे बाबा रिजिड बॉडी इज नॉट अवेलेबल इन दिस अर्थ ना रिजिट बॉडी तो है ही नहीं इस पृथ्वी पर दिस इज हाइपोथेटिकल केस ओके तो क्या है रजिस्टेंट है इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टेंट बॉडी एनी वन वॉट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टेंट बॉडी सर चिंटू सेज द रजिस्टेंट बॉडी इज लाइक दिस चिंटू सेज रजिस्टेंट बॉडी इज लाइक दिस चिंटू सेज रजिस्टेंट बॉडी इज लाइक दिस देर अ डिफॉर्मेशन विल अकर या देर डिफॉर्मेशन विल अकर दैट बॉडी इज द रजिस्टेंट बॉडी बट सर मेरी आप बात समझना कितनी सही तरीके से समझाता हूं अब यह सुनना ठीक ना थोड़ा सा समझना यह क्या लेकर आ गए सर यह क्या है वन ग्लास ऑफ वाटर एक ग्लास पानी यह क्या सर इससे आप समझाओगे रेजिस्टेंट अभी समझाता हूं यह क्या है सर फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ा था ये रैम प्लंजर का केस है हाइड्रोलिक प्रेस सुना होगा फ्लूड मैकेनिक्स में सर इससे हम लोग रेजिस्टेंट बॉडी समझेंगे देखिएगा कितने मजेदार तरीके समझाता हूं फील आ जाएगा फील आ जाएगा फील अच्छा लोग आपने पानी देखा है एक ग्लास पानी हाथ में रख लो वन ग्लास ऑफ वॉटर नाइच यू कैन कंसीडर ए टू पॉइंट ए एंड बी यू कैन कंसीडर ए टू पॉइंट ए एंड बी इन ए ग्लास ऑफ वॉटर एक ग्लास पानी के अंदर दो पॉइंट कंसीडर करो ए एंड बी बहुत सही चीज समझाने वाला हूं नौ अब मैं तुम्हें कहता हूं बिटवीन ए एंड बी इज एक्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज एक्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज एक्स ना अगर मैं रिजिड बॉडी में यही काम करता सी दिस गाइज

नहीं होगी क्यों क्योंकि ये नॉन डिफॉर्मेबल है भाई डिफॉर्मेबल होगा तब तो गैपिंग चेंज होगी हाँ सर नाउ केस था यार रेजिस्टेंस का मैंने एक गिलास पानी लिया उसके बीच में ए और बी दो पॉइंट कंसीडर किए इनकी डिस्टेंस मानी एक्स नाउ अब मैं इस एक गिलास पानी में थोड़ा सा फूक मार दू आर यू गेटिंग माय पॉइंट मैं हल्का सा फोर्स लगाऊ ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आई अप्लाई आई अप्लाई ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स वेरी वेरी लेस एमाउंट ऑफ फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पार्टिकल आर सडनली चेंज तुरंत चेंज हो जाएगा द डिस्टेंस बिट्वीन ए एंड बी आर सडनली चेंज वाओ सो दिस इज द प्योरली डिफॉर्मेबल या फ्लूड लिक्विड वाटर वाटर इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी फ्लूड इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी यस सर कैन अप्लाई वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स दिस फ्लूड विल डिफॉर्म वेरी इजिली नाउ माई डियर फ्रेंड यहां जो आपने फ्लूड लिया अब सुनना ये फ्लूड जो भी था आई डोंट नो अगर मैं कहूं रैम प्लजर के केस में सो गाइज यू कैन सी दिस इन द केस ऑफ रैम प्लजर देअ अ फ्लूड ऑल्सो यहां भी हमारा क्या होता है बेटा फ्लूड भरा होता है बोलो हां या ना दिस इज देर फ्लूड ना इन साइड यहां अंदर में क्या भरा होता है बेटा फ्लूड इसके अंदर में क्या भरा है फ्लूड नाउ माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस अगर मैं कहूं ये वाला फ्लूड और ये वाला फ्लूड दोनों सेम है फ्लूड इज ए डिफॉर्मेबल बॉडी यस yes, सर नाउ no. इन केस ऑफ रैम प्लंजर, रैम और प्लंजर के बीचों बीच क्या बना है लूड नो गाइस यू कैन सी दिस रैम प्लंजर ऑलवेज वैलिड पास्कल लॉ। या ना? यस और नो ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज एप्लाई रैम प्लंजर बहुत तेजी से ऊपर जाता है यही तो फायदा है रैम प्लंजर का हल्का सा दबाएगा ये बहुत तेजी से ऊपर उठेगा तो पास्कल लॉ इज वैलिड यस और नो यस और नो आपको मेरी बात समझ में समझ में आएगी बिल्कुल यू कैन सी दिस यस और नो नो मेरे बच्चे सुनते रहना ध्यान से इन दिस है पास इज द पास्कल पास्कल प्रेसर एट ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी सेम इन ए स्टेटिक फ्लूड ओके नो वी कैन कंसिडर ए टू पॉइंट दिस एंड दिस दिस इज द ए एंड दिस इज दी ओके वी कैन कंसिडर ए टू पॉइंट एंड सेम डिस्टेंस डिस्टेंस इज एक्स ना वही फ्लूड है जो इस ग्लास में भरा था अगर मैं बात करूं हल्का सा रैन दबाया यहां क्या होगा ए और बी के बीच की गैपिंग चेंज होगी यस और नो नहीं होगी वाई 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 माई डियर फ्रेंड ऐसा क्यों बिकॉज

ज द डिफिनिशन ऑफ रजिस्टेंट बॉडी यू कैन सी दिस वॉट इज देशन ऑफ रजिस्टेंट बॉडी विच आर रिजिड नो चेंज इन दिफ इन दिस टू पॉइंट दिस इज कॉल्ड रिजिड ने अगर इन दोनों के बीच में गैपिंग चेंज नहीं हुई तो ये नेचर कैसा रहा रिजिड का बोलो हा या ना या लेकिन ये रिजिड नहीं है ये डिफॉर्मेबल है देखो मैंने यहां पानी एग्जाम्पल दिया आपको तो वो बॉडी जो दुनिया में रिजिड नहीं है बट कुछ पर्पज के लिए रिजिड की तरह शो हो रहा है दैट इज द रेजिस्टेंट बॉडी अगर समझ में आए तो अच्छी बात है नहीं तो अब एक लाइन और बताने जा रहा हूं उसको सुनो तब मजा आएगा नाउ माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस क्रैंक कनेक्टिंग रॉड सुना होगा कनेक्टिंग रॉड आगे पिस्टन सिलेंडर और ना माइ डियर फ्रेंड लिसन दिसन केयरफुलिस क्रैंक वट इज द क्रैंक सर क्रैंक इज अ लिंक ओके क्रैंक इज अनामेटिक लिंक या क्रैंक इज अनामेटिक लिंक माई डियर फ्रेंड यह बताओ जब आप क्रैंक नया नया क्रैंक लगाए अपने इंजन में तो यह बताओ कि घूमते ही क्रैंक लंबा हो गया क्या नहीं सर क्रैंक छह महीने एक साल दो साल पांच साल के बाद खराब होता है डिफॉर्मेशन आता है क्रैंक में लेकिन एक लंबे समय के बाद बोलो हां ना तो पांच साल के बाद उसमें अंदर डिफॉर्मेशन आया तो पांच साल तक वो क्रैंक एक रिजिड रिजिड बॉडी की तरह बैठा रहा यस और नो ना दूसरा एग्जाम्पल आपके घर में सीलिंग फैन है हा है सीलिंग फैन जब आप घुमाते हो आप एक की स्पीड में घुमाओ पांच की स्पीड में घुमाओ चाहे जितने की स्पीड में घुमाओ आप सीलिंग फैन घुमाते हो ऐसा तो नहीं है कि घूमते घूमते वो लंबा हो जाता है नहीं सर डिफॉर्मेशन विल अकर बट कब एक लंबे समय के बाद उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है नाउ ए वेरी लॉन्ग टाइम वेरी लॉन्ग टाइम गैप उतने समय तक वो बॉडी एक रिजिड की तरह होती है यस और नो उतने समय तक वो बॉडी एक रिजिड की तरह बिहेवियर करती है बोलो हाँ या ना यस सर ना माय डियर फ्रेंड मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं कि उतने टाइम तक या कमेंट नहीं देख पा रहा था हां ओके अभी बताता हूं बेटा ना उतने टाइम तक ये बॉडी क्या होगी एक रिजिड की तरह बिहेव करेगी कोई भी डिफॉर्मेबल बॉडी किसी टाइम के लिए किसी परपज के लिए रिजिड की तरह बिहेव करे जैसे आप देखो यू कैन सी दिस इन दिस केस दिस इज द डिफॉर्मेबल बट दिस इज द डिफॉर्मेबल बट सम पर्पज ऑफ टाइम कुछ देर के लिए ये रिजिड की तरह बैठा रहा यू कैन सी दिस अभी देखना कुछ देर के लिए रिजिड की तरह बैठा फिर फिर आया लोड तोड़ के चला गया सम टाइम सम पर्पज दिस बॉडी एक्ट लाइक एज अ रिजिड बॉडी ठीक है ना तो सुनिएगा दुनिया का हर एक बॉडी रजिस्टेंट बॉडी होता है डिफॉर्मेबल बॉडी होता है ठीक ना तो मेरे बच्चे ध्यान से वॉट इज द डिफिनीशन ऑफ द रजिस्टेंट बॉडी द रजिस्टेंट बॉडी इज नथिंग बट दोज बॉडी विच आर सम पर्पज ऑफ टाइम या यू कैन सी दिस दोज बॉडी इसके अंदर ये नहीं पता की पास क्यों वैलिड होता है तो फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ लो बेटा ठीक है ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन का क्लास चल रहा है तुम्हें यही नहीं पता न सो माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनामेटिक लिंक नाउ सर आपने तो कहा सर आपने तो कहा क्या सर हमने कहा कि लिंक कभी रिजिड नहीं हो सकता यू कैन सी दिस हमने कहा लिंक कभी रिजिड नहीं हो सकता और वही मैं आपको क्या बता रहा हूं द टाइप्स ऑफ लिंक इज रिजिड लिंक हमने कहा लिंक कभी रिजिड नहीं हो सकता और हम ही अभी अपने बात से पलट गए द टाइप ऑफ लिंक इज रिजिड लिंक वाई माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस लिंक इज ए रजिस्टेंट बॉडी बट दिस बॉडी ये रजिस्टेंट बॉडी क्या कहता है रजिस्टेंट बॉडी कहता है कि किसी सम लिए हर एक रजिस्टेंट बॉडी हर एक डिफॉर्मेबल बॉडी नॉन डिफॉर्मेबल बोले तो रिजिड की तरह शो करती है यू कैन सी दिस वट इज द रिजिड लिंक यू कैन सी दिस वन विच डॉट अंडर गो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग समझो लोग ना यह सब छोड़ के निकल जाते सच बता रहा हूं यह सब छोड़ के निकल जाते हैं यह सब, कि सब किसी काम का नहीं आ रहा फंसाता एग्जाम में एक रिजिड लिंक इज वन ज नॉट अंडर गो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन मतलब जब भी मोशन होता है जब मैंने सीलिंग फैन घुमाया तो यह बताओ क्या वो डिफॉर्मेबल बॉडी कभी टूट गई क्या नहीं टूटी वो डिफॉर्म नहीं हुई सो माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस जब ट्रांसमिट करता है मोशन जब मोशन ट्रांसमिशन होता है तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है देर इज आर नो डिफॉर्मेशन दिस इज द रिजिडलिंग इसीलिए हमने इसको क्या बोला है बच्चे ध्यान से सुनिएगा तो टाइप्स ऑफ काइनामेटिक लिंक के अंदर एक लिंक है रिजिड लिंक ओके रिजिड लिंक यह है रेजिस्टेंट बॉडी लिंक इज ए रेजिस्टेंट बॉडी बट टाइप्स ऑफ लिंक में नेचर से बात करते हैं अकॉर्डिंग टू तो नेचर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं सो गाइस दिस इज द रिजिड लिंक फ्लेक्सीबल लिंक फ्लूड लिंक सो तीन टाइप का लिंक है रिजिड फ्लेक्सिबल एंड फ्लू नाउ रिजिड लिंक कौन कौन से हैं ज्यादा समय नहीं लूंगा प्रैक्टिकली रिजिड लिंक डज नॉट एग्जिस्ट यू कैन सी दिस प्रैक्टिकली रिजिड लिंक डज नॉट एग्जिस्ट वाई बिकॉज प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी प्रैक्टिकल है ही नहीं रिजिड बॉडी इज द थ्योरिटिकल आइडियल ठीक है ना ये सारी चीजें हैं रिजिड तो होता ही नहीं है कुछ नाउ बट वी कैन कंसिडर वी कैन कंसिडर ए नेचर ऑफ द बॉडी सो द क्रैंक क्रैंक साफ्ट पिस्टन कनेक्टिंग रॉड सिलेंडर ऑल आर रिजिड लिंक ओके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है माना है बस ना फ्लेक्सिबल लिंक फ्लेक्सीबल लिंक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है रोप बेल्ट वट इज द लिंक लिंक क्या करता है जो पावर ट्रांसमिट कर सके वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन इज और पावर ट्रांसमिशन ठीक ना रिलेटिव मोशन हो जाए दो लिंक बीच में ऐसा भी हो तो कैनोमेटिक लिंक है जैसे रोप बेल्ट चेन ये सब क्या करता है पावर का ट्रांसमिशन करता है एक जगह से दूसरे जगह बोलो हा या ना यस और नो एंड ये सब क्या होता है हमारा फ्लेक्सिबल होता है रोप बेल्ट चेन स्प्रिंग देखा है आपने प्रैक्टिकली देखा होगा आपने यू कैन सी द प्रैक्टिकल थिंग्स ओके नाउ ल्यूड लिंक ऑल हाइड्रोलिक डिवाइसेस आर फ्लूड लिंक वट यार यू कैन सी दिस फ्लूड यूज इन हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक जैक हाइड्रोलिक क्रेन ऑल हाइड्रोलिक डिवाइसेस जितने भी हाइड्रोलिक डिवाइसेस होंगे सारे के सारे क्या है फ्लूडलिंक है क्यों क्योंकि वो फ्लूड से चलते हैं जैसे हाइड्रोलिक क्रेन अब मैं कहता हूं हाइड्रोलिक क्रेन में वो फ्लूड भरा हुआ ठीक ना हाइड्रोलिक प्रेस अभी अभी मैंने आपको रैम प्लंजर का केस दिखाया था तो वो क्या था हाइड्रोलिक प्रेस उसके अंदर फ्लूड था एक लिंक की तरह फ्लूड था एक लिंक की तरह भरा हुआ था यहां से वहां पावर ट्रांसमिट कर रहा था वाया फ्लूड आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नो या वेरी गुड करण वेरी गुड वेरी गुड करण ओके चलो क्या लिख रहा है वेलकम नहीं करेंगे हमारा अरे बिल्कुल यार तुम टॉपर बन के आओ हम तुम्हारा वेलकम जरूर करेंगे ठीक है ना टॉपर तो बनो चलो ना माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस ठीक है ना आई मैंने एक बच्चे कमेंट पढ़ा कुछ देर पहले लिखा था कि ये क्लास आ कब से चलती है और कितने बजे तक चलती है यहाँ ये क्या लिखा हुआ है डेली क्लास साढ़े नौ ए एम मेरे को पता था ये क्वेश्चन आते रहता है ये क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए मैंने यहाँ लिखा है तो मेरे को लगता है आगे लगा दू मैं कितने बजे तक चलती है चलो कोई बात नहीं होता है क्यूरियसिटी होती है बच्चों ध्यान से अच्छा कुछ अलग टाइप के और लिंक को एक तो रिजिड फ्लू फ्लेक्सिबल तो सुन लिए और अब हमारा जिनसे काम है अब हमारा जिनसे काम है वो है ये हमारा जिससे क्वेश्चन बनने वाला है वो है ये ठीक है ना टाइप्स ऑफ लिंक बेस्ड ऑन अटैचमेंट सुनिएगा ध्यान सी दिस बाइनरी लिंक टर्नरी लिंक क्वार्टरनरी लिंक कितने लिंक तीन लिंक टर क्वाटर ठीक है ना अब इनमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा थोड़ा सा मैं इनको हटाना चाहूंगा अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों में कॉमन क्या है तो आप कहोगे इन तीनों में कॉमन है लिंक इन तीनों में एक चीज कॉमन है मैंने कहा क्या कहता है लिंक मैंने कहा अच्छा तो मैंने क्या किया सुनो सुनोगे मेरी बात मैंने क्या किया एक लिंक बना लिया ये एक लिंक है क्या दिक्कत ये एक लिंक या ये एक लिंक ठीक है ना अब सुनोगे बड़े प्यार समझ लो ठीक है ना ये लेते हाँ हाँ बाइनरी लिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई मेरे से किसी बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर द मीनिंग ऑफ क्वार्टर ठीक ना आई थिंक इतना तो आप लोग जानते हो कि मीनिंग क्या होती है इनकी बाई का मतलब क्या हो गया बेटा दो टर का मतलब तीन और क्वार्टर का मतलब चार यू कैन सी दिस अगर मैं बाई की बात करूं तो ये और ये दो ज्वाइंट मीन्स व्हाट इज द बाइनरी लिंक डियर वट इज द बाइनरी लिंक वेन देयर वेन एवर देअर इज ए टू कनेक्शन इज पॉसिबल ऑन ए सिंगल लिंक 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 कॉमन है बोले तो सिंगल लिंक वेन एवर देअर इज ए टू कनेक्शन इज पॉसिबल ऑन ए सिंगल लिंक दैट इज कॉल्ड बाइनरी लिंक वेन एवर देर इज ए पॉसिबल रिकनेक्शन ऑन दिस लिंक टर्नरी टर्नरी लिंक अगर एक सिंगल लिंक पर चार कनेक्शन पॉसिबल है सो दिस इज वॉट क्वा टर्नरी यह डिपेंड नहीं करता कि साइज क्या होगा ना मेरे बच्चे अब मेरा जवाब दोगे क्या बात करते हो सर मैं आपके जवाब के लिए ही बैठा हूं पीछे चलो भाई खाली पेज नहीं हो क्या यह है ना बना हुआ यह तो बना हो अब देखो मैंने एक बच्चे से बोला बाइनरी क्या है तो बाइनरी बच्चा बोलता है कि एक लिंक पे दो कनेक्शन बाइनरी एक लिंक पे तीन कनेक्शन टर्नरी एक लिंक पे चार कनेक्शन क्वार्टरनरी मैंने अब क्या किया सुनोगे मैंने एक लिंक बनाया ये एक लिंक है मैंने क्या किया मैंने यहां एक कनेक्शन और यहां एक कनेक्शन दिया फिर मैंने चिंटू से कहा चिंटू ये वन लिंक कौन सा लिंक है चिंटू कहता ये बाइनरी लिंक है मैंने कहा चिंटू मैंने इसमें कनेक्शन जोड़ दिए बोले तो ये सेकंड लिंक ये थर्ड लिंक मैंने अब चिंटू से पूछा चिंटू बताओ ये वन लिंक कौन सा लिंक है चिंटू अभी भी अपने बात पे टिका है चिंटू कहता ये बाइनरी लिंक है मैंने कहा अच्छा फिर मैं गया चिंटू के पास मैंने कहा चिंटू ये अगर फोर्थ लिंक है समझ में ही मेरी बात मैंने एक लिंक तो जोड़ा ही था उस पर एक और लिंक जोड़ दिया मैंने अब चिंटू से पूछा मैंने अब चिंटू से पूछा चिंटू बताओ वन लिंक कौन सा लिंक है बताओ चिंटू ये वन लिंक कौन सा लिंक है जल्दी से जल्दी बताओ वन लिंक कौन सा लिंक है जल्दी जल्दी बताओ नहीं समझे मेरा क्वेश्चन नहीं समझे मेरा क्वेश्चन ये है कि इस ज्वाइंट पे दो लिंक आ गए तो अब बताओ वन लिंक कौन सा लिंक देखो अविनाश कुमार से टर्नरी चिंतू मेरे हाथ में कुछ है मैं तुम लोगों कुछ दिखाने लाया हूं ये एक्चुअली में छोटा सा ट्राइपॉड है ना ट्राइपोड जानते हो बिल्कुल मेरे बच्चे देर इज सिंगल ज्वाइंट एक कनेक्शन है उस पर एक दो तीन लिंक जुड़े हैं अब मैं तुमसे पूछता हूं कितना कनेक्शन है तो तुम कहोगे एक कनेक्शन है मैंने कहा चिंटू बबलू और बबली तीनों लटके हैं क्या मतलब हमें क्या मतलब हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है चिंटू बबलू और बबली तीनों लटक जाए मेरा उससे कोई मतलब नहीं है कोई वास्ता नहीं है सुनिएगा ध्यान से ज्वाइंट कितने हैं कनेक्शन कितना है सर कनेक्शन इज वन कनेक्शन इज वन नाउ चिंटू इफ देयर इज ए कनेक्शन इज वन चिंटू का भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था अगर कनेक्शन एक है तो हम एक ही कनेक्शन मानेंगे और यहां दूसरा कनेक्शन तो दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहां हमारा कनेक्ट हो रहा है ठीक है ना बाइनरी का मतलब है एक लिंक पे कितने कनेक्शन पॉसिबल है आगे के के लिए. नहीं समझ में आया अब समझ में आएगा सीसो झूला देखे हो हाँ सर देखे सीशो झूला देखे हो ना हाँ सर देखे हैं. अरे सीशो झूला भी नहीं जानते होंगे देखो बचपन में स्कूल में हम लोग इधर राम और इधर श्याम बैठते थे और बीच में आ, बबली आकर कहते थे हमको बैठना ठीक है ना या बबलू आकर कहता था हमें भी बैठना तो सीट कितनी है एक तो राम एक श्याम के लिए है लेकिन बबलू आया बबलू कहता है कि मैं भी बैठूंगा तो श्याम कहता ठीक है, है तू इधर आ जा मेरे साइड इधर आके बैठ जा भाई इधर बबलू भी आके बैठ गया सीट कितनी है सीट तो दो ही है सीट दो ही है कनेक्शन दो ही है बैठे चार लोग चाहे पांच लोग हमें मतलब नहीं है यू कैन सी दिस मैं इसलिए ये दिखा रहा हूं कनेक्शन एक ही है तीन लोग आ गए आर यू गेटिंग माई पॉइंट कनेक्शन एक ही है आर यू गेटिंग ना कनेक्शन एक ही है उस पर तीन लोग आ गए ठीक है समझ में आई बात आ गई समझ में मेरी बात जल्दी से जल्दी बताओ यहां मैं रख देता हूं इसको ठीक है ना कनेक्शन एक ही है यस ठीक है ना समझा वेरी गुड बहुत अच्छे सो बाइनरी लिंक टर्नरी लिंक क्वार्टरनरी लिंक इसका मतलब क्या है आप समझ में आ गया होगा सो माई डियर फ्रेंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी इज इज इस टू कनेक्शन इज पॉसिबल ऑन दिस लिंक फॉर फर्दर कनेक्शन

जिस बच्चे को हिंदी समझ में आती है वो पाया समझ गया होगा ठीक ना फोर लैक्स चार पैर होते हैं कुर्सी के ठीक है ना चार पाए लगाए जाते थे ठीक ना अब देखो चारों को लगा के कनेक्ट किया जाता था जुड़ जा जुड़ जुड़ जा जूड़ जा फिर इधर लगा जुड़ जा जुड़ जा फिर इधर लगा के फिर इधर लगा के चार कनेक्शन पॉसिबल था जिस पे हम लोग बैठते थे तो गाइस ये बताओ वो कौन सा था सर वो क्वार्टरनरी था मेरी बात समझ में आ गई मेरी बात समझ में आ गई इज रिलेटिव मोशन सेम एज डिपेंड मोशन रिलेटिव मोशन पे बात ही नहीं हो रही है द डिफिनीशन इज ओनली लिंक यू कैन सी दिस वी कैन कंसिडर ए टाइप ओके ठीक है पीछे आ जा जाके यू कैन सी दिस आरके आरके आर के वट इज दिस दिस इज द टाइप ऑफ लिंक बच्चा लोग मैं क्या पढ़ रहा हूं मैंने आपको कल बताया थ्योरी ऑफ मशीन में वर्ड वर्ड का मतलब है ये क्या लिखा है टाइप्स ऑफ काइनामेटिक लिंक ओके यू कैन सी दिस रिजिड लिंक फ्लूड लिंक फ्लूड लिंक फ्लेक्सिबल लिंक पिस्टन क्रैंक स्प्रिंग चेन बेल्ट रोप देर इज अ मोशन देर इज ए मोशन पावर ट्रांसमिशन सो दिस इज काइनामेटिक लिंक दिस इज काइनामेटिक लिंक बिकॉज काइनामेटिक सेज देयर इज ए मोशन आप लोग शायद मेरी बात नहीं पकड़े दिस इज अ टाइप ऑफ लिंक ओके माई डियर फ्रेंड वी कैन सी दिस लिंक हम अभी क्या देख ओनली लिंक नो रिलेटिव मोशन हम यहां कोई रिलेटिव मोशन की चर्चा अभी नहीं कर रहे रिलेटिव मोशन okay? की चर्चा कब होती है जब एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होता है अभी हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे, बात कर रहे इनका आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा इनका मोशन होगा किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नो दिस इज द टाइप्स ऑफ लिंक नॉट अ काइनामेटिक लिंक ओके इसका रिलेटिव मोशन की बात नहीं चल रही है यहां इसके रिश्ते की बात चल रही है पहले रिश्ता होगा बबली आएगी तब तो चिंटू कहीं घूमने जाएगा अभी तो चिंटू अकेला है। अभी तो चिंटू अकेला है बात हो रही है कि चिंटू दो कनेक्शन पॉसिबल है तीन कनेक्शन पॉसिबल है या चार कनेक्शन पॉसिबल है चिंटू बात चल रही है अभी रिश्ते की बात चल रही है शादी नहीं हो गई है ठीक है ना इसकी शादी हुई थी रोप ड्राइव मोशन कर रहा है बेल्ट ड्राइव मोशन कर रहा है स्प्रिंग इन मोशन पावर ट्रांसमिटिंग हाइड्रोलिक प्रेस क्रैक्सॉप इन मोशन पिस्टन इन मोशन नाउ दिस इज द सिंगल लिंक द लिंक विल रोटेट विद एन अदर दूसरे किसी लिंक के रेस्पेक्ट में ठीक है ना वहां मोशन करता है सो दिसनरी टर्नरी एंड क्वार टनरी आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरी बात समझ में आ गया आगे नहीं समझ में आया 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 ठीक है ना चलो 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 आगे बढ़ा जाए वट इज दाइनरी लिंक आरके आर के आर के समझ में आर के आरके मेरी बात समझ में आ गई आर के मेरी बात समझ में आई जल्दी से जल्दी बताओ या पाया लेग्स या चल अब मैं आपसे यहां क्वेश्चन पूछने वाला हूं यू कैन सी दिस अब मैं आपसे यहां क्वेश्चन पूछने वाला हूं नाउ व्हाट दिस इज द लिंक वन दिस इज द लिंक टू दिस इज द लिंक थ्री दिस इज द लिंक फोर लिंक फाइव लिंक सिक्स कितने लिंक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नच्चा लोग जी सर कौन सा लिंक क्या है मतलब फर्स्ट लिंक क्या है बाइनरी है कि टर्नरी या क्वा सर फर्स्ट लिंक इज दिस दिस इज द टर्नरी लिंक वाई बिकॉज एक लिंक पे तीन कनेक्शन पॉसिबल है वन का फोर के साथ वन का टू के साथ वन का सिक्स के साथ दिस दिस एंड दिस दिस इज व्हाट दिस इज द टर्नरी लिंक यस और नो नाउ अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड लिंक कौन सी लिंक है सर सेकंड लिंक का वन के साथ और सेकंड लिंक का थ्री के साथ कनेक्शन मतलब दो के साथ कनेक्शन तो दिस इज द बाइनरी लिंक ओके नाउ थर्ड कौन सा लिंक है सर थर्ड इज व्हाट थर्ड इज दिस थर्ड इज द टर्नरी थर्ड क्या है बेटा थर्ड इज द टर्नरी लिंक फोर्थ इज द बाइनरी लिंक यस और नो सी 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 दिस फोर्थ किसके साथ है तीन के साथ और एक के साथ फाइव इज अ बाइनरी सिक्स इज अ बाइनरी यस और नो फाइव एंड सिक्स बोथ आर बाइनरी यस और नो गाइस यू कैन सी दिस ठीक ना देखो बेटा <coughs> कोई बात नहीं बेटा देखो जिसको लग रहा है कि स्पीड में थोड़ा सा और चलना चाहिए देखो मैं ये बात बता देता हूं बैच जो मैं लेकर आया हूं हम्म मैं एक चीज बता देता हूं कि ये बैच जो है ना बेटा वो बेस है वो ऑफिसर्स बैच मतलब ईएस के लिए 2021 के लिए और आ, आपके गेट 2022 के लिए जो नए नए बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है टोम उनके लिए भी है ठीक है ना तो थोड़े दिन मतलब ज्यादा दिन नहीं लगेगा बच्चा देखो मैं एक चीज बता रहा हूं मुश्किल से एक या दो दिन तीन दिन आपको ना इस स्पीड में थोड़ी सी दिखाई देगी बेटा रीजन है अगर आपने ये स्पीड थोड़ा सा समझ गए ना मेरे को मेरा लय पकड़ लेना कहते हैं कि टीचर की स्पीड और टीचर का लय पकड़ना होता है जो बच्चा पकड़ लेता है उसको बहुत आसान लगता है जो बच्चा नहीं पकड़ पाता उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है तो मुश्किल से पांच दिन स्टार्टिंग के कहीं भी कोई भी फैकल्टी पांच दिन स्टार्टिंग के आप ना उनको पकड़ने की कोशिश करो उसके बाद पढ़ने की सही से कोशिश करो क्योंकि फिर आप लय पकड़ लोगे मैं भी आपका स्पीड पकड़ लूंगा और फिर मेरी भी स्पीड आपके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी ठीक ना आप सभी एक परिवार के हिस्सा हो ठीक है ना ध्यान रखिएगा आप सभी को मैं यहां सुबह सुबह क्यों पढ़ा रहा हूं यू आर माई क्लास रूम आप मेरे क्लास रूम हो ठीक है ना थैंक यू आर के ठीक है ना थैंक यू थैंक यू ठीक है ना बस देखो तीन चार पांच दिन की बात है पांच दिन डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हुआ तुम सोच लो डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हुआ थ्योरी ऑफ मशीन का बेस ऐसा हो जाएगा और जब कहते हैं ना जब पिलर खड़ा हो गया तो फिर घर बनने में देर नहीं लगती है यू कैन सी दिस नाउ फर्स्ट लिंक को यहां देखो जरा फर्स्ट लिंक हैविंग टू कनेक्शन फर्स्ट टू के साथ है फर्स्ट फाइव के साथ है देखो ना जो फिक्स है जो लिंक है अच्छा एक चीज और तुमने सुना होगा कभी क्या सर यू कैन सी दिस कि अगर ये fix है, ये ये फिक्स फिक्स है है तो ये दोनों तो दोनों सिंगल लिंक है ये तो सुन ही लिया ये दोनों तो सिंगल लिंक है ये तो तुमने सुन ही लिया बोलो हा या ना यस सर ना तुमने एक चीज और सुना होगा क्या सर क्या यू कैन सी दिस कि ए और बी ए और बी अगर सिंगल लिंक है तो मैक्सिमम जगह तुमने एक चीज देखा होगा वो ये है इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते ना कुछ होते हुए भी हम लोग एक ऐसे लाइन बना देते हैं और कहते हैं ये एक सिंगल लिंक है भाई ये फिक्स पॉइंट ये फिक्स पॉइंट तो जाहिर दी बात तो एक सिंगल लिंक है तो हम लोग जानबूझ के एक लाइन लगा के कहते हैं ये ये रहा लिंक ठीक है ना वैसे होता नहीं है मैकेनिज्म में होता नहीं है लेकिन हम लोग खींच देते हैं और कहते हैं ये है सेंस है बेटा अगर ये वन है ये वन है तो जाहिर सी बात है इनके बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा इसीलिए हम ये लाइन खींच देते हैं हैं और कहते हैं यही वो लिंक ठीक है Now, second, अच्छा देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे क्या है बाइनरी लिंक सारे के सारे क्या है बाइनरी लिंक नाउ अब चेक करो यू कैन सी दिस मैं आपके लिए एक ऐसी कुर्सी लेकर आया हूं यहां पहले से ही लिखा हुआ है ठीक है ना यहां पहले से ही लिखा है यू कैन सी दिस फिक्स वाला लिंक कौन सा है एक दो तीन चार देर इज अ फोर कनेक्शन पॉसिबल सो दिस इज द क्वार्टरनरी क्यू क्यू फॉर क्वार्टरनरी टी फॉर टर्नरी एंड क्यू फॉर क्वार्टरनरी यू कैन सी दिस पे हम बैठे हैं उस पे चार जगह से लगा एक दो तीन चार कुर्सी में जहां बैठते हैं वहां चार पाए के लगे होते हैं ठीक है ना चार लैग होती है तो इसलिए वो क्वार्टरनरी ये क्वार्टरनरी ठीक ना और बाकी सारे टर्नरी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो यस और नो थैंक यू थैंक यू रविंद्र थैंक यू रविंद्र ठीक है ना तो आप कनेक्ट कर सकते हो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ना अब मैं आपको वो दिखाता हूं जो बहुत फेमस हुआ था क्या सर अरे वाह जय सिो ये क्या है ठीक है ना गाइज यू कैन सी दिस आप ना कहीं भी ये सब चीजें देख सकते हो मेरा कहना है this is the practical approach this is the practical approach you can see this binary binary why why binary one connection two connection one connection two connection okay now why this is the binary one and sliding have two connection why this is binary one and two okay Why this is binary one and two? Why this is binary one and two? Okay. Why this is binary one and two? Why this is binary one and two? One and two. Okay. तो आप देख पा रहे हो binary connection. आर यू गेटिंग ना मेरी बात समझ में आ रही है ठीक है ना देख लो ये सब फेमस है तो binary ternary आई थिंक अब आप समझ गए होगे। चलो तो यहां हमारा लिंक का पूरा कांड खत्म होता है इतना लिंक है काइनामेटिक लिंक ये है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं हां हमारे पास समय प्रॉपर है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं वट इज काइनामेटिक पेयर देखा वट इज काइनामेटिक पेयर ठीक है ना बिल्कुल यस yes. चलिए स्टार्ट करते हैं काइनामेटिक पेयर को चलो कामेटिक पेयर को स्टार्ट करते हैं बच्चा व्हाट इज पेयर पेयर क्या है? चिंटू कहता है कि सर दो लिंक से मिलकर बनता है पेर. मेरे साउथ इंडियन वाले बच्चे मेरे वाले बच्चे, थोड़ी देर रुक जाया करो अगर तुम लोगों को हिंदी में नहीं समझ में आता मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं इंग्लिश में हर चीज को ठीक है ना तो थोड़ी देर रुक करो वट इज पेयर सर जब दो लिंक आपस में ऐसे जुड़ते हैं तो क्या बनता है पेयर जैसे चेंटू बबली का पेयर जैसे दो लिंक का आपस में बनता है पेयर वेन एवर देयर इज ए टू लिंक आर कनेक्टेड ऑन ए सिंगल ज्वाइंट दैट फॉर्म ए पेयर ओके सो वट इज द मीनिंग ऑफ पेयर पेयर दो लिंक से मिलकर बनता है एक पेयर इज द कामेटिक पेयर सर वट इज द कानामेटिक पेयर ए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनामेटिक मीन रिलेटिव मोशन व्हेन एवर देयर इज ये रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल ऑन दिस पेयर सो दिस इज कॉल्ड काइनामेटिक जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा सो दिस इज द काइनामेटिक पेयर आर यू गेटिंग माय पॉइंट ठीक है ना द कनेक्शन यू कैन सी दिसरी वेरी वेरी कूल कूल लाइन मतलब यहां कोई ऐसी इंग्लिश नहीं है जो आपको टफ लगे कनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट यार एलिमेंट का मतलब लिंक होता है दो लिंक के बीच में कनेक्शन इज ऑलवेज फॉर्म ए पेयर अरे बिल्कुल भैया हमेशा एक पेयर बनाता है ना बट 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 दिस पेयर विल ऑल्सो बी ए काइनामेटिक पेयर यह पेयर काइनामेटिक पेयर बनाएगा वेन द रिलेटिव मोशन बिट्वीन द लिंक एज कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंसफ्रेड ये पेयर काइनामेटिक पेयर तब बनाएगा जब इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वाई रिलेटिव मोशन बिकॉज काइनामेटिक सेज रिलेटिव मोशन काइनामेटिक सेज रिलेटिव मोशन ओके नाउविच यू कैन सी दिस द कनेक्शन बिट्वीन टू एलिमेंट इज ऑलवेज फॉर्म ए पेयर बट दिस पेयर ऑल्सो बी एमेटिक पेयर वेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंकफुलट क्यों नहीं लिखा है बिकॉज हमारी इच्छा का मोशन कंप्लीटली और सक्सेसफुली ही देते हैं हमारी इच्छा का मोशन याद है ना कल की क्लास कल की क्लास सभी को याद है हमारी इच्छा का मोशन यस और नो यस और नो ये हमारी इच्छा का मोशन आप सभी को याद है यस और नो जल्दी जल्दी बताओ हमारी इच्छा का मोशन कौन देता है कंप्लीटली और सक्सेसफुली तो हम चाहेंगे काइनामेटिक पेयर हमारे अनुसार चले बात समझ में आया बात समझ में आया यस और नो सो व्हाट इज द डिफिनिशन ऑफ द काइनामेटिक पेयर सर रट्टा नहीं मारना है ठीक है ना दिस इज द वेरी इजी लैंग्वेज वट इज द कानामेटिक पेयर

रिलेटिव मोशन ऑन दिस लिंक इज कंप्लीटली और सक्सेसफुल्ली कंस्ट्रेन आर यू गेटिंग लैंग्वेज बहुत आसान बहुत इजी लैंग्वेज है आप देखो आप एग्जाम में जाओगे आपको भर भर के एक क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको वही लाइन यहां लिख कर लाया हूं ये वही लाइन में यहां लिख कर लाया हूं ए ज्वाइंट ऑफ ए टू लिंक ज्वाइंट ऑफ टू लिंक दैट परमिट रिलेटिव मोशन परमिट रिलेटिव मोशन एक ज्वाइंट जो कि दो लिंक के बीच में ठीक ना परमिट रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड पेयर ए ज्वाइंट ऑफ टू लिंक दैट परमिट द रिलेटिव मोशन जो परमिट करेगा रिलेटिव मोशन को व्हाट इज दिस दिस इज कॉल्ड पेयर आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस और नो यस नो अरे यार कॉमन है यार एक ज्वाइंट जिसमें क्या होगा रिलेटिव मोशन परमिट होगा ठीक है काइनामेटिक पेयर का डिफिनीशन क्लियर हो गया जल्दी से जल्दी जय हिंद लिख दोगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको यह डिफिनिशन क्लियर हुआ तो ठीक है थोड़ा सा मैं काढ़ा पी लूं मेरा गला हो रहा है बहुत ज्यादा खराब या आया समझ में ये लाइन ये पेज समझ में आया जल्दी से जल्दी बताओ आ गया आगे चलते हैं चलो रे बाबा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनामेटिक पेयर पे टाइप्स ऑफ काइनामेटिक पेयर नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स दो लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा ना उसके नेचर के हिसाब से हम इसके टाइप को, को बताएंगे नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लिंक दो लिंक कैसे जुड़े हैं किस हिसाब से जुड़े हैं उसके हिसाब से बताएंगे नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट मतलब किस तरीके से कंस्ट्रेंड किए गए मैकेनिकली मैकेनिकली किस तरीके से कंस्ट्रेंड है कुछ पेयर वो बताएंगे सर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए ठीक है ना अरे भाई मैंने क्या क्या बताता हूं ये काढ़ा बनाने के लिए मैंने यूट्यूब पर लिखा काढ़ा बनाने की विधि मेरे को मिल गया मैंने वही ले लिया ठीक है ना तो आप भी कर लेना गला खराब है टाइप्स ऑफ काइनामेटिक पेयर यू कैन सी दिस काइनामेटिक पेयर तीन टाइप के होते हैं बच्चों या काइनामेटिक पेयर तीन टाइप के होते हैं बच्चों सुनिएगा बड़े ध्यान से नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स रिलेटिव मोशन हो जस्ट लाइक टर्निंग पेयर मैं आपको दिखा नहीं सकता मैं अपने दरवाजे को आगे पीछे घुमा रहा हूं जस्ट लाइक टर्निंग पेयर जैसे मेरा हाथ इस ज्वाइंट से क्या हो रहा है टर्निंग यार आजकल तो जिम जाने का भी समय नहीं मिल रहा ठीक है ना टर्निंग पेयर आर यू गेटिंग माई पॉइंट सही ना टर्न कर रहा टर्निंग नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक कॉन्टेक्ट हां सर जैसे एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है जैसे गियर आपस में कनेक्ट है कैसे कनेक्ट है पॉइंट कॉन्टेक्ट है यह चीजें ना सुनते रहे ना ध्यान से नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट जैसे यहां मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दूंगा अनारकली को जो चुनवा दिया गया था दीवाल में उससे मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा जब पढ़ाऊंगा सेल्फ क्लोज पेयर अनारकली तो सेल्फ क्लोज पेयर थी ठीक है ना फोर्स क्लोज पेयर होता है एक सेल्फ क्लोज पेयर होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा ये ठीक है ना तो बेटा तीन टाइप के काइनामेटिक पेयर हो गए जैसे टर्निंग पेयर स्लाइडिंग पेयर स्क्रू पेयर ये सब जो है रिलेटिव मोशन हाइयर पेयर लोअर पेयर रैपिंग पेयर रैपिंग 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 मैंने जो बोला सुनो हाइयर पेयर लोअर पेयर रैपिंग पेयर कॉन्टेक्ट के अंदर सेल्फ क्लोज फोर्स क्लोज किसके अंदर आएगा ठीक है ना अरे ये सब क्या हो रहा है भाई टाइप्स ऑफ काइनामेटिक पेयर रिलेटिव मोशन के अंदर स्लाइडिंग पेयर टर्निंग पेयर सिलेंडरकल पेयर रोलिंग पेयर स्पेरिकल पेयर हेलिकल पेयर हायर पेयर रैपिंग पेयर देखते रहिए अरे वाह नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्टेंट क्लोज पेयर सेल्फ क्लोज पेयर अनक्लोज मतलब अनक्लोज मतलब होता है ओपन पेयर माफी चाहूंगा बच्चों आज गला कुछ ज्यादा ही बैठा है ने तो एक्सरसाइज करना सिखा दिया ये हुई ना बात ठीक है ना अरे मैं बताता हूं मैं जिस दिन पहली बार टोम पढ़ाने जब आया अपनी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में टोम 2015 में पढ़ाया था मुझे याद फर्स्ट टाइम ठीक ना अपने करियर की स्टार्टिंग मैंने सोम से किया है फिर ना फिर उसके बाद टोम पढ़ाया था मैंने बहुत साल के बाद 2015 में पढ़ाया था और उस समय मेरे को याद है कि मेरे मैं ऐसे करके एक, एक गाना बहुत एक डांस बहुत फेमस था ठीक है न कि आप ये ये पॉइंट फिक्स करके मैं ऐसे ऐसे मोशन दे रहा था ठीक है ना सब कहते माइकल जैक्सन वाला डांस कर रहे हो क्या सर ठीक है ना क्योंकि ये देखो ये लिंक फिक्स है और ये मोशन में मैं पेंडुलम का एग्जाम्पल दे रहा था यू कैन फिक्स दिस उस समय तो पतला था तो कर पा रहा था अब तो कर भी नहीं पाता हूँ ठीक है ना चलो तो मैं बात कर रहा हूं बेटा क्लोज पेयर सेल्फ क्लोज पेयर अनक्लोज पेयर फोर्स क्लोज ओपन ये सारी चीजें होंगी इसकी बात अभी हम लोग करेंगे उससे पहले बच्चा लोग इन सब चीजों को करने से पहले क्या कहते हो आज जितना हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं क्या कहते हो आज जितना पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं मजा आ जाएगा ना दिल खुश कितना हो जाएगा अंदर से है ना चले, कुछ ऑब्जेक्टिव देख लिया जाए क्या कहते हो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आया हूं मैं और ऐसा मैं करता रहूंगा बीच बीच में दिस इज कॉल्ड सरप्राइज टेस्ट दिस इज कॉल्ड सरप्राइज टेस्ट देखो ऑनलाइन में भी सरप्राइज टेस्ट पॉसिबल है ले लिया जाए सरप्राइज टेस्ट हो जाए क्या कहते हो अरे सर बिल्कुल चलो रे बाबा चलो उड़ो उड़ लो हाँ ये ये क्या हुआ था अरे पर्दा नहीं खोलना भाई बंद करो हाँ ठीक है ठीक है चलो चलो भैया टेस्ट स्टार्ट करते हैं अरे जिसको करना है सब करो यार तुम लोग तो ऐसे पूछते हो सर जी ये वाले कर सकते हैं क्या ये वाले कर सकते हैं ईएस का सिलेबस सबके लिए इंपॉर्टेंट है चाहे जे ही हो चाहे ए ही हो अभी चलो अच्छा अरे रुक जाओ यहां देखो सीधे 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 अब देखो क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो जरा क्वेश्चन है क्वेश्चन के चार ऑप्शन है मेरे को बताओ जरा क्या आंसर है तुमको लग रहा होगा क्या दे दिया बेटा ये पीएसयू का आया हुआ क्वेश्चन है पीएसयू में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस कमेंट बॉक्स में आंसर भर दो कमेंट बॉक्स में आंसर भर दो सर कैसे पकड़े देखो एक चीज बताता हूं मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताने वाला हूं अभी कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमेशा कीवर्ड पकड़ा करो टीचर हमेशा तुम्हें पढ़ाते समय कीवर्ड्स बताते हैं सर कीवर्ड्स क्या होते हैं जैसे मैंने तुम्हें जब भी पढ़ाया होगा तो तुम्हें कीवर्ड्स बताया होगा सर हम समझ नहीं पाते हैं कीवर्ड आओ दिखाते हैं तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ लो तुम्हें एक कीवर्ड मिला इनर्सिया फोर्स इनर्सियल फोर्स मिला हां सर तो तुम्हें मैंने एक कीवर्ड बताया था स्टार्टिंग में पढ़ाया था अरे काइनेटिक्स है काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स में इनर्सियल फोर्स आता है जहां लाइबिल गवर्नर आप लोग को एग्जाम्पल दिया था याद होगा याद होगा मैंने तो दिस इज द कीवर्ड पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आप कीवर्ड देखो आंसर फेंको ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ठीक है ना? अब अगले क्वेश्चन से कीवर्ड पे ध्यान देना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन प्रोवाइड द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट ऑफ अ मशीन रिलेटिव मोशन की स्टडी कौन करवाता है रिलेटिव मोशन की स्टडी कौन कराता है बच्चों बताइएगा कीवर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा देखो मैं इस कीवर्ड की टेक्निक से ना आपका एसरसन रीजन ईएस में ना बीस बीस क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग सर्विस में आप लोग को सात अप्रैल को फॉर्म भरना है आप लोग मेरे से वादा करिए मैं आपसे पूरा वादा करता हूं कि डिजाइन की पूरी हैकिंग दे दूंगा पूरी हैकिंग करा दूंगा डिजाइन की ई की ठीक है ना सात अप्रैल को पहले फॉर्म आएगा सभी लोग भर दीजिएगा थर्ड ईयर वाले फाइनल ईयर वाले और जो पास आउट हो चुके हैं उन सबको कह रहा हूं थर्ड ईयर वाले भी भर देना थर्ड ईयर में गए उन्हें भर देना क्या दिक्कत है भरने में भरने में कोई मना ही नहीं हो भर सकते हैं ठीक है ना बताओ आंसर प्रोवाइड स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट ऑफ मशीन बेटा स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन सो आंसर इज काइनामेटिक्स कीवर्ड कीवर्ड को पकड़ो ना ना रिलेटिव मोशन की स्टडी ओनली कहां करते हैं बेटा इतनी देर से चिल्ला रहा हूं काइनामेटिक्स का मतलब रिलेटिव मोशन

रिलेटिव मोशन के साथ जब फोर्स की बात आती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डायनामिक्स लेकिन ऑप्शन में कहीं डायनामिक्स दिया है नहीं दिया है जब ऑप्शन में जब मेरे बच्चे ऑप्शन में डायनामिक्स नहीं दिया है जब ऑप्शन में डायनामिक्स नहीं दिया मेरे बच्चे ध्यान से सुनो रिलेटिव मोशन के साथ जब फोर्स की बात की जाए तो क्या कहते हैं डायनामिक्स लेकिन जब डायनामिक्स नहीं दिया हो तो आंसर क्या होगा थ्योरी ऑफ मशीन ना बात समझ गए डायनामिक्स होता है इसका असली क्वेश्चन चलो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन था अब आया अच्छा क्वेश्चन अब आया अच्छा क्वेश्चन इसका जवाब आप सभी लोग करोगे इसका जवाब आप सभी लोग करोगे ठीक है ना देखो बेटा मेरा मानना है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आप हर एक फॉर्म फिलअप करो टेक्निकल के ये मत कहो कि ये नहीं भरेंगे वो नहीं भरेंगे ऐसे नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे बिल्कुल मत कहो ठीक है ना भरो हर चीज हां इसका आंसर तुम लोगों ने कर दिया बिल्कुल डेफिनेट डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन कंप्लीटली कंस्ट्रेंड कीवर्ड्स, देखो मैं पूरा लाइन नहीं पढ़ रहा हूं मैं कीवर्ड्स पकड़ रहा हूं द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंड क्या होगा देखो यहां वो लाइन लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को कल सिर्फ बता दिया था लिखा नहीं था एक लाइन वो लिखा हुआ है सर ध्यान से मैं आप लोगों को अभी याद दिलाऊंगा अरे नहीं सारा ऑप्शन पढ़ो रे बाबा सारा ऑप्शन पढ़ो ऐसे कैसे छोड़ रहे हो भाई सारा ऑप्शन पढ़ो और आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन की आप लोग ना ये सब वीडियो के लिंक ना अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो ताकि किसी का तो भला हो ठीक है ना अगर किसी के पास फीस नहीं है अफोर्ड करने की तो यहाँ यूट्यूब पे पढ़ सकता है बच्चा मैं उतनी ही ताकत से पढ़ाऊंगा ठीक है ना डोंट टेक एनी टेंशन चलो आंसर करो बच्चा सर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं बट सर वैकेंसी देखकर दिल टूट जाता है बेटा टैलेंट लाओ अब क्या करोगे बेटा बात समझा करो अब क्या करोगे अब मैं कह रहा हूं वैकेंसी चार है तो भाई जो टैलेंटेड है उसको तो मिल रहा है ना ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल रहा मैकेनिकल इज एवर ग्रीन ब्रांच या डी इज द राइट आंसर देखो मैंने कल आप लोग को बताया था कंप्लीटली कंस्टेंट कंप्लीटली कंस्टेंट का मतलब क्या है कंप्लीटली कंस्टेंट का मतलब है मोशन ऑफ ए पिस्टन इन सिलेंडर ऑफ स्टीम इंजन

अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर ठीक ना बिल्कुल सही बात है आपका तो एक ही सीट से काम है बिल्कुल 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 चलिए इसका आंसर करिए देखिए आज जितना हमने पढ़ा है कल जो हम पढ़े थे ठीक ना मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को हर दो या तीन दिन पे ऐसे क्वेश्चन एट द एंड मतलब जैसे साढ़े दस दस, दस चालीस हो जाए ना आपस पास वहां तक पढ़ा के 10 से 20 मिनट आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना इससे क्या होगा पढ़ने के साथ साथ आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसके साथ साथ मैं अलग से भी कुछ देखूंगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकू इसका आंसर बताइए ठीक है ना इसका आंसर बताइए 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 या डी इज द राइट आंसर डी इज द राइट आंसर कैसे सक्सेसफुल्ली ठीक ना मोशन ऑफ एन आईसी इंजन वॉल्व कल बताए थे मोशन ऑफ साफ्ट बिटवीन द फुट स्टेप बियरिंग कल दिखाए हुए थे फुट स्टेप बियरिंग पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इन साइड इन सिलेंडर बिल्कुल सत्य बात हर जगह फोर्स लग रहा है सक्सेसफुली का एक और वर्ड है क्या फोर्स जब भी बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है तो सक्सेसफुली आ जाता है आ, अब शायद पेयर पे क्वेश्चन आ गया है तो ये पेयर वाला क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे ठीक है ना पेयर वाला क्वेश्चन अभी हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि शायद ये अभी हमने पढ़ा नहीं है अभी या पेयर के क्वेश्चन अभी हमने पढ़े नहीं है डियर बिल्कुल 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 अभी इसको हमने पढ़ा नहीं है ना नहीं मुझे आज लगा था कि आज मैं पढ़ा दूंगा आपको पेयर सारे ठीक है ना कल क्लासिफिकेशन ऑफ द पेयर हाँ आज मैंने पेयर अभी आप लोगों को नहीं हो पाया ना कोई बात नहीं चलिए तो आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कानामेटिक लिंक के बारे में पढ़ाया कानामेटिक पेयर के बारे में पढ़ाया और आपके टाइप्स दिखाया है ना मैं आपको कल पूरा क्लासिफाइड करूंगा एक एक चीज आपको दिखाऊंगा कल पेयर के अंदर और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दिखाऊंगा ये मैं गारंटी देता हूं हाँ ठीक हाँ। ना जैसे कि कल मैं आपको दिखा दूंगा बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन के हिसाब से एक एक चीज दिखाना बेटा देखो इसको मैं उड़ा नहीं सकता ठीक है ना इसको मैं उड़ा नहीं सकता मेरे बच्चों बिल्कुल यार जाने से पहले सौ लाइक तो करोगे सो हंड्रेड लाइक तो होने चाहिए क्या कहते हो जाने से पहले हंड्रेड लाइक like बनता है हा या ना ठीक है ना क्लास में नौ बज के तीस मिनट पे स्टार्ट कर देता हूं क्लास की टाइमिंग आप लोगों को बता दूं आपका नौ तीस से दस पैंतालीस होता है लेकिन मैं ग्यारह बजे तक पढ़ाता हूं ठीक है ना अब वो टाइम में पंद्रह मिनट का फ्लक्चुएशन इसलिए होता है कि किसी दिन जल्दी टॉपिक खत्म हो जाता है किसी दिन आगे जैसे मान लो अगर आज मैंने ये उठा लिया तो दस मिनट में तो खत्म नहीं कर पाऊंगा ठीक ना क्योंकि इसके अंदर मुझे यह भी पढ़ाना है आपको कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है ठीक है ना ये सब चीजें क्या होती है ये सब चीजें भी पढ़ाएंगी ठीक ना तो इसको हम लोग कल कवर करेंगे कैसे देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या होता है ये सारी चीजें हाँ बेटा पीडीएफ तो डेली डालते हैं आज भी कर देंगे अभी डाल देंगे बेटा ठीक ना क्लास के जस्ट बाद पीडीएफ डाल देंगे नाउ बच्चा लोग एक चीज आप लोग को बताना था क्या था वो जल्दी जल्दी पीछे चलते हैं ठीक ना देखिए आज आप लोग को ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं ठीक है ना देखिए ये ये बताना था बेटा थोड़ा सा पीछे डॉट कॉम स्लैश आलोक लाइव कोड पर चले जाना सभी लोग आज दिन में आप लोग को बता दूं बच्चा तेईस तारीख है सिंपल स्ट्रेस ट्रेन पढ़ रहे हैं हम लोग ई में और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस ठीक ना हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहां लिंक है बच्चा लोग ठीक है अब दिन में एक बजे क्लास है तो सभी लोग इसमें आ जाना सभी लोग यहां आ जाना ठीक है ना कोई बात नहीं बोल बोल साहू जी टेंशन ना लो टेंशन ना लो देखो एक लाइन कहूंगा बहुत ही भयंकर वाली लाइन आप लोगों ने भी सुनी होगी कि रख हौसला रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा ठीक है तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा तो मेरे भाई सुनो एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाचा विधायक हैं, उससे कोई मैटर नहीं होता टैलेंटेड हो तो होगा ठीक है मैं मानता हूं कहीं कुछ चीजें सिस्टमेटिक नहीं है लेकिन आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप इस सिस्टम को बदल सको ठीक है ना अब आप ये सोचो ना आप ये सोचो मुझे कितना दुख होता होगा ठीक है ना आपको इतना दुख हो रहा मुझे कितना दुख होता होगा ठीक है ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोचो तो ये सब चीजें हैं बेटा कोशिश यही करनी है हमें हमें यहां रोना नहीं है हमें यहां ये यह कोशिश करनी है कि हम इस चीज को भी चीर कर आगे बढ़ जाएंगे इस चीज को भी चीर कर आगे बढ़ जाएंगे चाहे दुनिया में जितनी भी मुसीबतें आए उसको आगे बढ़ जाएंगे ठीक है ना बस आगे बढ़ते जाइएगा बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे भाई ठीक है तो बच्चा आज दिन में एक बजे यहाँ क्लास है आप लोगों को यही बताना था कि दिन में एक बजे आप लोग की यहाँ क्लास है स्पेशल क्लास में और रात में नौ बजे एक क्लास है अगर आप इस समय क्लास अपने कॉलेज के स्टूडेंट हो अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो कोई बात नहीं कॉलेज के नहीं हो तो दिन में एक बजे और रात में नौ बजे आना नहीं भूलिएगा आप नए अकाउंट से जब आते हैं मेरे बच्चे तो आपको एक पासवर्ड मांगा जाता है और पासवर्ड है क्या बेटा आलोक सर का पासवर्ड आलोक लाइव आलोक इज ऑन लाइव ठीक है ना आलोक मेरा नाम है लाइव क्लास लेना मेरा काम है आलोक लाइव यू कैन सी दिस तो ठीक है बच्चे इसको नोट कर लीजिए कुछ नहीं करना है। इसको ना गूगल क्रोम पर जाकर ऐसे डाल के इंटर मार देना जैसे वेबसाइट का एड्रेस डालते हो डॉट स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना नहीं तो नहीं खुलेगा टी आई एन वाई है एक बच्चा टी आई एन यू आर एल कर दिया ठीक है ना तो कृपया करके इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी लोग ठीक है ना अब ये बताइए कि आप लोगों को मेरा एनिमेशन ठीक है ना ये 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 सब में मजा आता है जल्दी बताओ इन सब से पढ़ के मजा आता है जल्दी बताओ एनिमेशन का यूज करना जिस तरीके से मैं मोशन देता हूं आपको क्लास में मजा आता है बस ये बताओ तो मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगा ना भाई मजा आता है तो कंटिन्यू होगा नहीं तो कोई बात नहीं ठीक ना बिल्कुल जल्दी बताओ मजा आता है कि नहीं इन सब चीजों में प्रैक्टिकली मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं डियर आप लोगों के लिए ठीक है पूरा का पूरा कोशिश करता हूं एक से बढ़ एक आप लोगों को कुछ दे सकू बिल्कुल जल्दी जल्दी बताओ मजा आता है कि नहीं आता है बेटा कल से हम लोग यहां से पढ़ेंगे बिल्कुल आ जाओ भाई यहां से कल से हम लोग यहां से पढ़ेंगे ठीक है ठीक है ना चलो भाई आगे बढ़ते हैं कल से हम लोग यहां से पढ़ेंगे और कल कुछ क्वेश्चन इसके और लेकर आऊंगा कल कल उसके मोशन के आ जाएंगे क्वेश्चन क्या कहते हैं काइनामेटिक पेयर के कल कुछ क्वेश्चन होंगे मजा आ रहा है हाँ सर इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बार इंटरव्यू भी क्लियर बिल्कुल सही बात है मजा 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 बिल्कुल 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 सो गाइस सेवन हो गया है बस हंड्रेड होते ही बिल्कुल बवाल मच जाएगा अभी आप लोग कहीं नहीं जाएंगे बिल्कुल खुल जा भाई सिम सेम हाँ आ, आ गया गाइस एक चीज और बताना है आप लोग को अभी कोई कहीं नहीं जाएगा अभी बहुत सारी चीजें हैं एट द एंड सभी लोग रुकोगे लास्ट में चिड़िया उड़ाकर ही जाएंगे सुनते रहना ध्यान से ठीक है ना सुनते रहना ध्यान से सुगाइज so कल बाईस तारीख और कल ये बैच अनाउंस हो चुका है इवॉल्व बैच ठीक है ना 2022 का और कल 22 तारीख एसेंट बैच 2023 के बच्चों के लिए मैकेनिकल का ये बैच स्टार्ट हो गया है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कोड आप लोगों के जुबान पे है आलोक सर का लाइव होना आलोक लाइव इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना अगर फाइनेंशियल इश्यू है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़िए ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है बस उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी ठीक है ना आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी ध्यान से देखिए अगर आप प्लस पे जोड़ना चाहते हैं तो आपको मिलता है लाइव क्लासेस आपको मिलता है क्रैश कोर्स देखो ना हर सप्ताह के एंड में एक वीकली टेस्ट हो जाता है कितना सही है डाउट सॉल्विंग सेशन हर चौथे दिन में बच्चे का डाउट क्लियर करने के लिए टीचर खुद ही आते हैं ठीक है ना तो प्लस के जो बेनिफिट्स है ना बच्चा लोग मैं अगर बताना चाहूं तो बहुत अच्छा है सीरियसली ठीक है ना अगर आप परचेज कर सकते हो तो ले लो ये बहुत फायदे का डील है अगर आप ई की तैयारी करते हो तो आइकॉनिक में ज्वाइन कर लो ठीक है ना मैं आपसे नहीं कहूंगा कि गेट वाले आइकॉनिक में तो मैं हमें देखो प्रैक्टिकली मैं हमेशा सत्य बात कहूंगा आपसे आइकॉनिक ई वाले क्यों ज्वाइन करें उसका रीजन है उनको मिलेंगे एक पर्सनल कोच पर्सनल कोच से वो क्या क्या सीख सकते हैं लिखना लिखना वो लिखना सीख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा कंक्लूजन क्वेश्चन का मेंस एग्जाम में उतना ज्यादा सिलेक्शन होने का चांस बढ़ता है ठीक है ना और स्टडी मटेरियल मिलेगा उनके लिए स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है उनको अलग से प्रैक्टिस सेट वगैरह मिलता है ई वालों को फायदा है इसमें ठीक है ना ना अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो गेट एंड ई एस सी गेट सब्सक्रिप्शन लीजिए ठीक है ना बच्चा लोग देखो ध्यान से कोड है आलोक लाइव अभी मिल रहा है दस परसेंट का डिस्काउंट अट्ठाईस फरवरी अट्ठाईस फरवरी से सॉरी अट्ठाईस फरवरी के बाद अट्ठाईस फरवरी के बाद यह डिस्काउंट पांच परसेंट का हो जाएगा ध्यान रखिएगा पांच परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा

IS की तैयारी कर रहे हो तो आई की तैयारी कर रहे हो तो क्योंकि आपको फायदा है है ठीक ना हाँ बेटा से अच्छा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है थैंक 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 यू 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 सो यू सो 100 यू सो मच 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 गाइस लाइक हो गए ठीक है ना तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आप आईएस की तैयारी कर रहे हो देखो मैं बिल्कुल वो नहीं कहूंगा कि भैया गेट का करो ये तो गेट वाला कर सकता है प्लस से लेकिन आई वाले को चाहिए उसको कंक्लूजन लिखना उसको बहुत सारी चीजें अंदर की टर्मिनोलॉजी सीखना अंदर की बहुत सारी चीजें मतलब वो जो पर्सनल कोच होते हैं ना उसी के लिए होते हैं वो तो गाय आपको ये सब चीजें लिखना मेंस में कैसे कॉपी लिखनी है कैसे मेंस लिखना है ये सब चीजें सिखाते हैं तो बहुत फायदा होता है उसमें ना मेरे बच्चे एक मेरा कोड आप लोग जानते हो अगर आप मेरा कोड लगाते हो तो आपको अभी दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और दूसरी बात आपको मेरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा हर समय हर पल जब कॉल करो तब डोंट टेक एनी टेंशन और ऐसा नहीं है कि फ्री वाले बच्चे अगर एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो उनसे मैं खफा हूं आप भी कॉल कर सकते हो नाउ सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन ठीक है ना चलो भैया चिड़िया उड़ी अब चलते हैं हम भी ठीक है ना थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन वी विल मीट आवर द नेक्स्ट सेशन दिन में एक बजे अरे वापस आ गई ठीक है ना दिन में एक बजे मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों दिन में मिलते हैं एक बजे ठीक है ना बिल्कुल 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 टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा डोंट टेक टेंशन मैं हर क्लास के कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा डोंट टेक टेंशन ठीक है ना आप टेलीग्राम पे भी मैं लिंक दे दूंगा एक बजे दिन की क्लास का आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आ जाना ठीक ना सो so, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में दिन में एक बजे से टिल तब तक लिए सभी को जय हिंद जय जै भारत